रमज़ान में जहां बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं, वहीं जायकेदार होटलें भी ग्राहकों को अपनी जानिब खींच लेती हैं। रमज़ान के महीने में शहर के हर तरफ होटलें अपने जायकें और डिशेस की वजह से मकबूल हो जाती है। इनमें कुछ होटलें सिर्फ रमज़ान के लिए ही होती है। ऐसी ही एक होटल न्यू यलगार रोज़ेदारों और जायके के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। इस बार न्यू यलगार होटल को महात्मा फुले मंगल कार्यालय में कायम किया गया है। इफ्तार के मौके पर न्यू यलगार होटल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एक दावत इफ्तार का अहतमाम बल्दिया उज़्मा के कॉरपोरेटर सैयद जानी की जानिब से रखा गया था। इस इफ्तार पार्टी में नांदेड़ राष्ट्रवादी पार्टी यूथ के शहर सदर फिरोज़ लाला के अलावा कई सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर न्यू यलगार होटल में बाद नमाज मगरिब ताम का भी अहतमाम किया गया। न्यू यलगार होटल गुज़िश्ता 25 बरसों से कॉरपोरेटर सैयद जानी और उनके फर्जंद सैयद रिजवान उर्फ जब्बू चला रहे हैं, जिसके ज़रिए ग्राहकों को लजीज तहारी, बिरयानी और चिकन के मुख्तलिफ आइटम्स का जायका पहुँचाया जा रहा है। अब ITI के महात्मा फुले मंगर कार्यालय में इस होटल को कायम करके शहर के VIP इलाके में इस तरह की एक लजीज होटल की ज़रूरत को पूरा कर दिया गया है। इस होटल में चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप और चिकन तगड़ी के अलावा मछली फ्राई, बकरा बिरयानी, कद्दू की खीर, डबल का मीठा, शाही टुकड़ा और दीगर चिकन के आइटम्स ग्राहकों की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। इस न्यू यलगार होटल में ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे का नज़म भी किया गया है, साथ ही पार्सल की भी खिदमत इस होटल में दी जा रही है। एक अच्छा गोर गरीब लोगों के लिए जो मुसाफिर है वो उनके लिए खाने की अच्छी सुविधा होती है और हम उनकी बिल्कुल जदोजहद से उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना हम उनके लिए मुहैया कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर इस हलके के नगर सेवक अली जनाब सैयद जानी भाई साहब, इनकी होटल का आज आगाज़ हुआ है। आज इस आगाज़ के मौके पे यहाँ पर तमाम इस इलाके के लोगों को एक इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था। आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई है और इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए यहाँ के तमाम लोगों को मैं रमज़ान के रोज़ों की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यलगार होटल जो पिछले 25 साल से लोगों की खिदमत करती है, इंशाल्लाह आने वाले जो 22 दिन बचे इसी तरह से वो खिदमत करेंगे और वो इन जानी भाई और उनके बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज होटल यलगार का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर हमने इफ्तार का नज़म रखे थे और पूरे दोस्त सहबाब को हमने बुलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इफ्तार कर गए और ताम का भी इंतज़ाम रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से होटल यलगार चला रहे हैं। फुले मार्केट पर हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम कई साल चौक में चलाए हैं यलगार होटल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों का ये था कि भाई न्यू सिटी में भी आप और चलाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह नगर पालिका की जगह मिली है हमें और हम यहाँ पर चालू किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जितने भी दिन हैं रमज़ान के और खिदमत हमारी अंजाम देंगे हम, और अल्लाह चाहे तो आगे ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं और लोगों की खिदमत करते रहेंगे और सही जायके का जो लोगों को हम लुत्फ़ देंगे।